हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी एपीएलएम सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए, राइबो न्यूक्लियो एसिड। राइबो न्यूक्लियो एसिड के बारे में आपको दो बातें जाननी है कि यह गैर आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि नॉन जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं और सूचनाएं जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं। लेकिन यह एक नॉन जेनेटिक मटेरियल है और एकल कुंडलित है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये डीएनए की तरह द्विकुंडलित नहीं है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी एकल कुंडलित और द्विकुंडलित में दरअसल क्या अंतर होता है। उसके पहले हम ये जानेंगे कि दरअसल आरएनए की संरचना क्या। इसके पिछले वीडियो में जो मैंने डीएनए पर बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि डीएनए और आरएनए की इकाई दरअसल न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, एक सुगर होती है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है। दरअसल उस न्यूक्लियोटाइड या उस डीएनए की संरचना और इस आरएनए की संरचना में क्या बेसिक डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर देखें। तो हम पहले आरएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं कि आरएनए की संरचना कैसी है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हैं, सुगर है, कोई नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन हो सकता है और फॉस्फेट ग्रुप। अब हम देख लेते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सुगर। तो सुगर यहां पर कौन सी है, आरएनए। हमने डीएनए में पढ़ा कि कौन सी सुगर थी, डीऑक्सीराइबोस सुगर। लेकिन यहां पर डीऑक्सीराइबोस सुगर नहीं है, यहां पर है राइबोस सुगर। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि राइबोस सुगर दरअसल क्या है, पेंटोज है। और पेंटोज का फार्मूला क्या होता है, दरअसल C5H10O5। तो आरएनए में, आरएनए की संरचना में जो सुगर पाई जाती है वो कौन सी सुगर पाई जाती है, C5H10O5। फिर उसके बाद सुगर के बाद अगर दूसरी चीज जो है वो क्या है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, चार होते हैं। लेकिन जैसे कि एडिनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये चार बेस जो हैं डीएनए की संरचना में थे, यहां भी चार हैं। केवल और केवल अंतर यह है कि थायमिन नहीं है, थायमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल। बस इतना अंतर है कि थायमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल। बाकी एक ही, एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। तो जैसे वहां एडिनिन थायमिन से जुड़ता था, हालांकि यहां जुड़ेगा नहीं, लेकिन उसका क्या यूज है दरअसल वो आप समझ लीजिए। जुड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि वहां द्विकुंडलित था, डबल हेलिक्स था। तो वहां पर जुड़ा था एडिनिन थायमिन से और साइटोसिन गुआनिन से, लेकिन यहां नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह एकल कुंडलित है। लेकिन फिर भी क्या यूज है, यह आपको समझ में आएगा जब हम मैसेंजर आरएनए, आरएनए या आरएनए की टाइप पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि सुगर होती है आरएनए में, सुगर कौन सी होगी, राइबोस सुगर, पेंटोज यानी कि C5H10O5। फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस होता है जिसमें कि एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तीसरी चीज क्या होती है, वो होती है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि आरएनए में, डीएनए में भी होता है। सब चलिए अब इसकी संरचना देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, यह डीएनए की तरह द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स नहीं है, ये कैसा है, सिंगल हेलिक्स है। तो सिंगल हेलिक्स मॉडल कैसा होगा, इस तरह से होगा कि सिंगल हो गया, डीएनए होता तो डबल होता, सीढ़ी की तरह होता, ठीक है। अब देखिए इसको अगर थोड़ा जूम करके देखें तो हमने सुगर की बात की, हमने नाइट्रोजन बेस की बात की, हमने फॉस्फेट ग्रुप की बात की, हमने सुगर की बात की, फिर हमने कोई नाइट्रोजनस बेस जैसे कि यूरेसिल ले लिया और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, सुगर, कोई नाइट्रोजनस बेस जैसे ग्वानिन और फॉस्फेट ग्रुप।
इस तरह से यह सिंगल हेलिक्स मॉडल रहेगा। ये क्या नहीं होगा, डबल हेलिक्स, यानी कि इस तरह की कोई एक संरचना इस तरफ से आके जुड़ेगी नहीं। अगर जुड़ जाएगी, अगर इसकी संरचना में दो इस तरह से संरचना होगी, तो फिर तो ये भी डबल हेलिक्स हो जाएगा। तो आरएनए कैसा है, एकल कुंडलित। तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर आपको समझ में आया वो क्या, कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए कैसा है, द्विकुंडलित है, ये द्विकुंडलित नहीं है या एकल कुंडलित है। और क्या अंतर समझ में आया, ये अंतर समझ में आया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोसुगर है, यानी कि उसमें एक ऑक्सीजन कम है, जबकि इसमें ऑक्सीजन कम नहीं है, यानी कि एक राइबोसुगर है। और भी बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, उसके पहले हम थोड़ा आरएनए के टाइप पढ़ लेते हैं। तो यहां पर हम आरएनए की टाइप के बारे में पढ़ें। आरएनए दरअसल तीन टाइप के होते हैं, पहला आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। अभी केवल क्या होता है दरअसल, आरआरएनए दरअसल इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, नाम से समझ में आ रहा है, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। अब इनका नाम तो आप समझ जाएंगे, आरआरएनए समझ रहे राइबोसोमल, एम से समझ में आ रहा है मैसेंजर, टी से समझ में आ रहा है ट्रांसफर। बात इतनी सी है कि इनका काम क्या है ये ध्यान रखना है आपको। राइबोसोमल आरएनए यानी कि यह राइबोसोम के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम क्या है, राइबोसोम के निर्माण के लिए यह भूमिका निभाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, इसलिए आरआरएनए कहां होगा, केंद्रिका में होगा, क्योंकि केंद्रिका में ही राइबोसोम का निर्माण होता है। अब देखिए एमआरएनए और टीआरएनए, एमआरएनए का काम है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज ले जाता, मैसेंजर, तो ये मैसेज ले जाता है, कहां से कहां तक मैसेज ले जाता है। देखिए मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि कोशिका का दो काम है दरअसल, कोशिका के दो काम है दरअसल, एक तो ऊर्जा बनाना, तो ऊर्जा माइटोकांड्रिया में बनती है, आपने देख लिया कोशिकीय श्वसन के माध्यम से जब हमने माइटोकांड्रिया पढ़ा था। और दूसरा काम मैंने क्या बताया था कि यह प्रोटीन का निर्माण करना है, इसका एक काम ये भी है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए मैंने बताया था कि कच्चा माल और जानकारी, किचन, इस तरह से उदाहरण देने बताया था कि नहीं, चार चीजें जरूरत है। क्या चार चीजें जरूरत है, किचन की जरूरत है यानी कि जगह की, कौन प्रदान करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने बताया था कि लोग चाहिए जो कि प्रोटीन बना सके, तो वो लोग कौन है, राइबोसोम, राइबोसोम ही तो बनाता है प्रोटीन। फिर मैंने बताया था कि हमें कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल प्रोटीन बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो एमिनो एसिड होता है। 20 तरह के एमिनो एसिड मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जितने प्रकार के प्रोटीन हमें बनाने होते हैं, उन प्रोटीनों को बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। तो ये अमीनो एसिड यानी कि यह कच्चा माल आता कैसे है, तो लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, कच्चे माल को यानी कि अमीनो एसिड को ले जाता है कहां, राइबोसोम तक की, ताकि वह प्रोटीन बना सके। अब देखिए मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, मैंने आपको बताया था कि चौथी चीज जो सबसे जरूरी है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए, वह है इंफॉर्मेशन कि आखिर प्रोटीन बनेगा कैसे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी सूचनाएं कहाँ है, डीएनए पर है, इसलिए तो डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी सूचनाएं तो उसके पास है। जब सभी सूचनाएं उसके पास है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज डीएनए होगी, क्योंकि अगर सूचनाएं नहीं होगी, अगर आप पढ़े लिखे समझदार नहीं होंगे तो कैसे कार्य कर पाएंगे। इसी तरह से डीएनए में अगर सूचनाएं नहीं होंगी, और अगर डीएनए में सूचनाएं हैं भी और अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कोई भी कार्य या प्रोटीन बनना संभव नहीं होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि डीएनए एक ऐसी स्थायी जानकारी है जिसमें सभी सूचनाएं लिखी हुई। अब कल्पना कीजिए कि कोई एक इंजीनियर है, उसके पास एक किताब है,
उस किताब में सभी प्रकार के इंजन, सभी प्रकार की मशीनें बनाने की विधि लिखी हुई है। बहुत सारे कर्मचारी उसके यहाँ काम करते हैं, वो सब वो काम करते हैं, वो सब इंजन मशीनें बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कर्मचारी आया इंजीनियर के पास और उसने पूछा कि मुझे फला मशीन बनानी है, उस मशीन को बनाने की विधि जो है वो आप मुझे बता दीजिए, तो उसके पास एक किताब है, उस किताब में सारी बातें लिखी हुई। तो ऐसा तो नहीं है कि उस मशीन को बनाने की विधि जिस पेज में लिखी होगी उस पेज को फाड़ कर वो उस कर्मचारी को दे देगा कि लो ले जाओ, या पूरा वो उसे दे देगा कि ले जाओ। अगर ऐसा करेगा तो दूसरा कर्मचारी आएगा, उसको क्या बताएगा वो, या फिर वह पेज फाड़ देगा तो उस मशीन की विधि किसी दूसरे कर्मचारी को कभी नहीं बता पाएगा। आप भी होंगे तो क्या करेंगे, उसकी एक फोटो कापी उसको दे देंगे, तो जो ओरिजिनल कापी वो आपके पास सेफ रही आएगी, वो फोटो कापी लेकर चला जाएगा और वह मशीन बनाएगा। इसी तरह से प्रोटीन बनाने की विधि कहाँ लिखी है, डीएनए पर एक जीन के रूप में, उस जीन की फोटो कापी करना है और पहुंचा देना है कहां तक, राइबोसोम तक। पहुंचेगी कैसे, मैसेंजर आरएनए से, इसलिए तो सिर्फ मैसेंजर आरएनए कि मैसेंजर आरएनए उस सूचना को फोटोकॉपी के रूप में ले जाएगा। अब ये फोटोकॉपी होती कैसे, ये बड़ी दिलचस्प बात कि यह फोटोकॉपी दरअसल कैसे होती है, तो चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यह फोटोकॉपी कैसे होती। डीएनए में यदि कोई प्रोटीन बनाने की विधि यानी कि जीन के रूप में कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मान लीजिए लिखा है इंसुलिन ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए डीएनए में लिखा हुआ है कि इंसुलिन कैसे बनेगा, लिखा हुआ है ए ए ए टी जी सी ए टी और जी, इस तरह से मान लीजिए डीएनए में यह एक जीन है और यह जानकारी लिखी हुई है कि इसमें यानी कि इस तरह से क्या बनेगा, इंसुलिन बनेगा, या कोई भी प्रोटीन का नाम आप ले सकते हैं कि ऐसे बनेगा। अब वही ये ओरिजिनल पेज है, अब प्रोटीन बनाने के इसको फाड़ के नहीं दिया जा सकता, इसकी क्या करनी है, फोटोकॉपी। मैंने क्या कहा, फोटोकॉपी का मतलब क्या है, एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए कैसे फोटोकॉपी करता है, जस्ट अपोजिट कॉपी करता है। आपने कभी देखा होगा किसी मूर्ति का सांचा अगर बनाना हो तो वो मिट्टी डालते हैं, उस मूर्ति का सांचा बनाने के लिए मिट्टी को ऐसे उस पर मूर्ति पर रखते हैं और देखते हैं कि उस मिट्टी पर उस मूर्ति का सांचा जस्ट अपोजिट बन गया। इसी तरह से जस्ट अपोजिट बनेगा, कैसे जस्ट अपोजिट बनेगा, देखिए ए का क्या होगा, मैंने क्या कहा एडिनिन का, एडिनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से जुड़ता है, तो ए का यहां पर क्या होगा, थायमिन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आरएनए में तो थायमिन होता ही नहीं, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, इसलिए इधर यू यूरेसिल, ये भी यूरेसिल और ये भी यूरेसिल, थायमिन का क्या, एडिनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडिनिन का थायमिन ना होकर क्या, यूरेसिल, थायमिन का एडिनिन और ग्वानिन का साइटोसिन, ये क्या हो गई, जस्ट उसकी फोटोकॉपी, एक सांचा बन गया और यह सांचा चला जाएगा कहां, राइबोसोम के पास, एमआरएनए मैसेज लेकर कहां चला जाएगा, राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास। तो इसको जानकारी मिल गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो यह बैठा ही हुआ है, यानी कि जगह तो इसको पर्याप्त मिली हुई पहले से, अब क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल यानी कि क्या, अमीनो एसिड, कच्चा माल का मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बनते हैं, तो यहां तक अमीनो एसिड को कौन ले जाएगा, टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए। तो मैंने पहले दिन बताया था कि प्रोटीन बनाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है, पहला किचन यानी कि जगह, जगह किसने प्रोवाइड की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, आप देख सकते हैं। दूसरा, बनाने के लिए कोई आदमी होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, तो राइबोसोम वह व्यक्ति है या वह संरचना है जो प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। और क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, तो कौन लेकर आ गया, ट्रांसफर आने नहीं लेकर आया। और अंतिम बात जो मैंने बताई थी वो क्या बताई थी, कि जानकारी चाहिए कि आखिर वह प्रोटीन
बनेगा कैसे, इस मैसेज में लिखा हुआ है कि वह प्रोटीन बनेगा कैसे, एमआरएनए यह मैसेज लेकर राइबोसोम के पास आएगा और फिर राइबोसोम अपना काम कर देगा, प्रोटीन बन जाएगा। फिर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वह क्या होगा, आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद वह गोल्जी बॉडी तक पहुंचेगा। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, उस प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा, उसमें थोड़ा बहुत जो परिवर्तन चेंजेस अगर करने हैं तो करेगा, और फाइनली क्या करेगा, उस प्रोटीन को वहां भेजेगा जहां उस प्रोटीन की जरूरत, यानी कि उस प्रोटीन को स्रावित कर देगा। कौन, गोल्जी बॉडी। इसलिए गोल्जी बॉडी कोशिका का प्रमुख स्रावी अंग भी कहा जाता है। तो वह प्रोटीन कहां पहुंचेगा, फिर जहां उसकी जरूरत। तो ये प्रोटीन बनने की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, अगर अभी नहीं समझे तो मेरी पिछली क्लासेस देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप सीधा यही क्लास देख रहे हैं तो आपको कुछ बातें अभी समझ में नहीं आई। ठीक है, तो यहां पर यह बात पूरी हो गई कि प्रोटीन दरअसल कैसे बनता है। और भी बातें हैं जो आने वाली क्लासेस में समझ में आती जाएंगी। आज के लिए इतना ही। इस क्लास से संबंधित जो कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ सुझाव हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम अपने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।